बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में होली पर्व और आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक के द्वारा और प्रभारी यातायात बागेश्वर के संयुक्त टीम ने होली पर्व को देखते हुए असामाजिक तत्वों और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत 8 वाहनों को 207 MV एक्ट में सीज किया गया और 2 वाहनों को शराब पीकर चलाने वालों को 185 MV एक्ट में सीज कर संबंधित वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार कुल 10 वाहन सीज किए गए और 600 वाहनों का नगद चालान कर 2700 रूपए का संयोजन शुल्क वसूला गया। इसके साथ ही टैक्सी निजी गाड़ियों की तलाशी ली गई। वहीं गरुड़ टैक्सी स्टैंड पर भी एक चालक को छत पर सवारी बैठाकर ले जाने और कुछ शराब का सेवन करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक निर्देश दिया गया कि प्रत्येक त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न पुलिस द्वारा कराया जाए। 2 मोटरसाइकिल ऐसी पकड़ी कि उसमें ड्रिंक करके चला रहे थे, स्पीड ज़्यादा थी। इसके अलावा 8 वाहन और ऐसे कि उनके कागज़ पूरे नहीं थे, ओवर स्पीड थी। तो कुल मिला के हमने आज 10 मोटरसाइकिल मौके पर ही सीज की और उनके खिलाफ कार्रवाई की। उसके अंतर्गत तो बाकी और भी हमने 6 वाहनों के चलान कर 2700 रुपए मौके पर वसूल किया। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।